हेलो फ्रेंड, मैं हूँ राय लक्ष्मी। मेरे डिजन सभी का स्वागत है। तो आज हम चले मेला घूमने, तो चलिए आपको भी लेके चलते हैं मेला घूमने। ये बोकारो के मेला है जो प्राय टाइम लगा रहता है। ये मेला 45 डेज लगेगा और आज हम गए हैं मेला देखने। लेकिन मेला स्टार्टिंग हुआ था तो हम गए थे देखने, देखे कि दुकान क्या क्या है, क्या नहीं है, क्या आया है क्या नहीं है। फिलहाल तो बहुत कम आया था, तो चलिए अंदर जाके देख लेते हैं क्या क्या है क्या नहीं है। खड़े हैं टिकट काउंटर के सामने। यहाँ पर देख सकते हैं डेकोरेट, और यहाँ पर लिखा है मेला का नाम ड्रीम सिटी डिस्नी मेला। तो यहाँ टिकट 20 रुपीज़ है। तो ये डेकोरेट बहुत सुंदर हुआ है। तो टिकट आने के बाद हम मेले ही अंदर जाएंगे, देखेंगे क्या गया है क्या नहीं है। तो मैं और मेरा पड़ोसन जो है वो भाभी, उनके बच्चे के साथ हम गए थे। तो यहाँ पर फ़ोटो खींचने हम लगे क्योंकि बाहर जाओ मोबाइल में हाथ में मोबाइल हो फोटो ना खींचे तो ऐसा नहीं होता है। तो चलिए अंदर जाके देख लेते हैं। देखिए ज़्यादा दुकान तो नहीं है, ज़्यादा नहीं आया है, फिर भी मेला थोड़ी बहुत भीड़ लग चुका है। और हम जब गए आप देख सकते किस तरह हम घुस रहे थे भीड़ में। और यहाँ पर देखिए कितना सुंदर लग रहा है, एकदम लाइट लाइट है। ये सब खेलने की जगह है, जब आप आराम से खेल सकते। बड़े लोग के हैं, छोटे लोग, चरकीज वगैरह आया है। और यहाँ पर देखिए बोटिंग के लिए, बच्चे के लिए है। लेकिन ये है कि दुकान जो है बहुत कम आया है, जो सब सामान का दुकान है बहुत कम आया है। लेकिन ये बच्चे के खेलने के लिए, बड़े के लिए भी आ चुका है ये। और यहाँ पे देखिए चरकी वगैरह सब है, अच्छा लगेगा। लेकिन ज़्यादा दुकान बाजार नहीं है, फिर भी ये 45 डेज लगेगा। तो हम बीच में कभी जाएंगे, देखेंगे क्या क्या आया है क्या नहीं आया है। तो आप लोग से ज़रूर मैं शेयर करूँगी। तो चलिए आगे देखते हैं।
यहाँ पर स्टार्टिंग होता है 30 से, रुपीस से देना पड़ेगा, उसके बाद खेलना होगा, लेकिन हम नहीं दिए थे। उसके बाद हम खेले, जो बॉल्स है उसमें नंबर में डालना है, आपका जितना होगा काउंट करके, उस जंप नंबर लिखा है और सामान के ऊपर बहुत सब नंबर लिखा है आपको मिलेगा। लेकिन हम जो वो अभी खेले थे जो डाले, तो उनका हुआ कुछ 30 कुछ नंबर आया मिलाकर 18 कुछ हुआ, तो उनका छन्नी मिला, तो उसके बदले बोले कि 30 रुपीज़ देना है। तो हम रिटर्न आ गए कि हमको 30 रुपीज़ नहीं देना एक प्लास्टिक के छन्नी को, मतलब वो क्या होगा वो यूज़ नहीं होगा। फिर हम यहाँ पर सब खेल चलता रहता है, रिंग है यहाँ पे भी वही सेम प्रोसेस है, आपको 30 रुपीज़ देना है, रिंग डालना है, जो भी नंबर पे डालेगा वो सामान आपको देंगे। पता नहीं कितना सही है, लेकिन वो सामान वहाँ पर ठीक नहीं था, हम कोशिश भी नहीं किए, लेकिन एक ट्राई किए। यहाँ पर देख सकते पूरा खाली खाली है, कुछ शो स्टॉल वगैरह नहीं आया हुआ यहाँ अभी भी तक। जब आएगा हम अच्छे से जाएंगे, घूमेंगे, देखेंगे क्या क्या आया है क्या नहीं। बहुत सारा चीज़ आने वाला है, जो कि पोस्टर लगा हुआ था, तो बच्चे के ज़्यादा खिलौना वगैरह है, चूड़ी वगैरह कुछ कुछ है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं और वीडियो एंजॉय कीजिए। अच्छा लगे तो प्लीज़ थोड़ा लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।